भाई देख सकते हो ये बज गया। हेलो भाई, मैं ऋषभ सिसोदिया। तो भाई आज हम देखेंगे होंडा लिवो 2021 बेस 6 में आपको कितने कुछ वाइब्रेशन देखने को मिल जाती है। तो भाई बेसिकली अगर हम बुलेट का देखें तो आपको बुलेट मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को मिल जाती है। अगर हम रियल लाइफ में इसको देखें तो भाई कितने कुछ वाइब्रेशन देखने को मिल जाएगी। तो भाई आज हम यही वाली वीडियो में यही चेक करने वाले हैं कि आपको होंडा लिवो 2021 BS6 में कितने कुछ वाइब्रेशन देखने को मिल जाती है। तो यही करना है। भाई देख सकते हो हार्ड एक्सीलरेट करना। भाई देख सकते हो ये बज गया। भाई वाइब्रेशन तो आपको खड़े खड़े भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। एक बार वो करो हार्ड एक्सीलरेट। भाई ये देखो अभी एक्सीलरेट करो। भैया आप देख सकते हो गियर में करे हुआ गियर में तो जाओ मैं गियर में करता हूँ। अरे एक बार इसी रहने दो, एक्सीलरेट मत करो। वो ये वाइब्रेशन तो आपको देखने को मिले। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा इन्होंने BS6 में अभी थोड़ा बहुत वाइब्रेशन कम नहीं किया, उतना ही वाइब्रेशन है। अगर मुझे बताऊं भाई मुझे लग रहा है कि VS4 की गाड़ी में वाइब्रेशन देखने को मिलती ना उतनी आपको BS6 में भी देखने को मिल जाएगी होंडा लिवो 2021 में। भाई देख सकते हो वाइब्रेट तो कर रही है, अच्छी खासी कर रही है। खड़े खड़े भाई अगर मैं एक्सीलरेट करके बताऊँ ये देखो कर रही है भाई। जो ही करना बंद। तो भाई जैसे कि आपने देखा रिजल्ट, वाइब्रेशन तो आपको देखने को मिल जाती है अच्छी खासी। मैं से नहीं बोलूँगा बुलेट की तरह, पर अगर हम कंपेयर ना करें बुलेट से तो भाई आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। मुझे लग रहा है कि भाई BS4 में जितनी वाइब्रेशन थी उतनी आपको इसमें वाइब्रेशन देखने को मिल जाती है। तो भाई ये थे रिजल्ट। एक कमेंट अच्छी सी प्यारी सी कर देना भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।